Hi everyone, good morning. Welcome to the daily newspaper analysis. Today is 16th of April, Friday morning. Good morning, all of you. Good morning all of you. And apologies for yesterday. कल की फाइल में थोड़े एरर आ रहे थे तो उसको करेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया शाम को. सो आई हैव जस्ट शेयर्ड द नोट्स फॉर यस्टरडे. सो आई थिंक अब आप लोग को मिल गया होगा ऑन द टेलीग्राम चैनल. Good morning all of you. एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सो दैट वी स्टार्ट विद द एनालिसिस. बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे होंगे तब तक. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. सो द डेली मोटिवेशन कोट टुडे कम्स फ्रॉम कन्फ्यूशियस. ही सेज दैट मोर यू मेडिटेट अपॉन गुड थॉट्स द बेटर विल बी वन्स वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड व्यू एट लार्ज. तो अगर आप अच्छे थॉट्स इंकल्केट करेंगे, अगर आप अच्छे थॉट्स डेवलप करेंगे तो आपका तो विचार अच्छे होंगे ही होंगे. गुड थॉट्स आपके जो है आएंगे आपको, उससे आपका ही नहीं भला होगा बल्कि पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का. एवरी नो एंटायर वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस एट लार्ज. सो इट्स ऑलवेज 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 इंपॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव गुड थॉट्स इन द मॉर्निंग बिकॉज दे विल बिल्ड द एंटायर बेस ऑफ हाउ यू प्रोबेबली योर एंटायर डे इज गोइंग टू बी लाइक. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सुप्रभात जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो कन्फ्यूशियस साहब की बात को याद रखें और दिन को अपनी शुरुआत करें विथ गुड पॉजिटिव थॉट्स. इनिशियली आप लोग शुरू में ये भी कोशिश कर सकते हैं सुबह उठ के दैट यू सिट क्वाइट फॉर सम टाइम, सी आउटसाइड, सी एंड लुक एट द बर्ड्स, नेचर, यू नो, सिट क्वाइटली, थिंक अबाउट, रिफ्लेक्ट अपॉन द डेज. एंड ज़्यादा मत सोचो पहले चीज़ों के बारे में, जस्ट थिंक अपॉन आगे क्या करने वाले हो अब आज के दिन के बारे में. टेक यू नो टेक वन स्टेप एट अ टाइम. उस दिन के बारे में ज़्यादा सोचें रादर देन यू नो गोइंग एंड थिंकिंग टू मच अबाउट अदर थिंग्स. चलिए तो एज आई टोल्ड यू दिस ऑफर हैज़ बीन एक्सटेंडेड. कल बताया था मैंने आपको 28th April तक यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन. तो 28th अप्रैल तक क्या है कि आपको ये बुक्स जो है फ्री मिल जाएंगी. पहले 14th April तक था एंड आई प्रॉमिस दैट कि आपको ये बुक्स मिलेंगी. 28th April तक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड DPS लाइफ. जब तक बाकी लोग आ रहे हैं तब तक आई जस्ट मेंशन इट. एंड ये लोन वाला भी मैंने कल बताया था टीम ने लॉन्च किया है. सो इन केस अगर आपको एजुकेशनल लोन चाहिए फॉर सब्सक्रिप्शन दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल नाउ. 2 घंटे के प्रोसेस में अप्रूवल हो जाता है पूरा और कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए. मिनिमल पेपर वर्क चाहिए, जीरो प्रोसेसिंग फी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंटरेस्ट रेट इज़ 0%. सो उसमें भी एजुकेटर कोड अप्लाइड होगा. DPS लाइव अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इन द ओवरऑल सब्सक्रिप्शन प्राइस. राइट, प्लस यू गेट अ चांस ऑफकोर्स टू गेट गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. सो ये जो है इसको ध्यान रखिए. बाकी जैसे मैंने बताया आपको ये संडे को है 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक. मेरा सेशन जो है वो 3 से 5 है. सो आई एम टेकिंग पॉलिटी 3 to 5 PM. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जो है नीचे उसमें लिंक दिया हुआ है इसका,
तो ये कंप्लीट मैराथन सेशन है, 12 आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन सेशन ऑन योर करंट अफेयर्स. सो आई विल बी टेकिंग पॉलिटी का करंट अफेयर्स, सुदर्शन एवरीबडी एल्स इज टेकिंग अदर सब्जेक्ट का, एंड इट्स गोना बी अ नॉन स्टॉप. सुबह 9 बजे लेकर रात के 9 बजे तक बीच बीच में सारे एजुकेटर्स आएंगे. सो आई विल बी टेकिंग पॉलिटी एट 3 to 5 PM. सो उसको ज्वाइन करना मत भूलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. बाकी द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है स्टार्टेड फ्रॉम 15 अप्रैल. कॉम्बैट इज ऑन संडे. कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए और साथ साथ अमेजिंग स्कॉलरशिप जीतिए. एंड बेस्ट क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ प्राइजेस मिल रही हैं. बाकी देर आर सम न्यू बैचेस स्टार्टिंग. 14 अप्रैल से NCERT बैच चालू हुआ है, 21 अप्रैल से और भी बैच चालू हो रहे हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. चलिए जी. हाँ जी आकांक्षा जी, बिल्कुल बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी. कॉम्बैट हर संडे होगा, हर संडे होगा, कॉम्बैट भी होगा. सो भूलिएगा मत, कॉम्बैट के लिए कोड यूज़ कर सकते हो आप लोग, DPS Live या Deep27. आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक एडिटोरियल आया है, सिर्फ आज एक ही एडिटोरियल है, एंड दिस इज गोना बी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस. सो IR के ऊपर ये एडिटोरियल है, एंड दिस टॉक्स अबाउट मल्टीपोलैरिटी. तो ये जो एडिटोरियल है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है. तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इमेज यहाँ पर डाली हुई है जो हम यूज करेंगे. तो इसमें जो ये बोल रहे हैं कि मल्टीपोलैरिटी का वर्ड होगा ये, स्क्रिप्टेड बाय मिडिल पावर, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, टर्की एंड ईरान. तो ये जो कंट्रीज हैं, जीत कंट्रीज, जापान, इंडिया, ईरान एंड टर्की, ये जीत कंट्रीज जो हैं इनको हम लोग मिडिल पावर्स बोलते हैं. मिडिल पावर्स क्यों? क्योंकि ये बीच में रहते हैं, डिसाइड करते हैं किसके साइड जाना है किसके साइड नहीं जाना है. तो ये बोल रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है इस समय, जो भी डिफाइन होगा इन कंट्रीज द्वारा, जो कि है जापान, इंडिया, ईरान एंड टर्की. सो इसके बारे में बात करेंगे. काजल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप देख रहे हो और आपको नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने की मिल रही है. देखिए, लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होना चाहिए, एग्जाम तो देखो है ही, जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो वो तो एग्जाम क्लियर करने के लिए कर ही रहे हो, बट इन सब चीज़ों का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट ओवरऑल यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ बेटर इन्फॉर्म्ड पर्सन. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूज़पेपर एनालिसिस का, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू मिलता है चीज़ों का, पर्सपेक्टिव मिलता है, एंड यू कैन टॉक टू एनीबडी, एनी पर्सन इन द रूम. और वैसे भी जब आप न्यूज़पेपर पढ़े हुए होते हो, चीज़ें पता होती हैं, तो यू ऑटोमेटिकली बिकम दी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, नॉट इफ आई विल नॉट से द स्मार्टेस्ट पर्सन, बट यू बिकम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम. हमेशा एवरीबडी विल लुक अप टू यू, अरे उसको पता होगा, ज़रूर उसको पता होगा. ऐसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके फ्रेंड्स बोलते होंगे, यार इनको तो ज़रूर पता होगा, इनसे पूछो. सो आपके ओपिनियंस मैटर करने लग जाते हैं, नो पीपल लुक अप टू यू कि इससे पूछो, इसके ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो दोज थिंग्स जो है ये जो है आपके मैटर करेंगे. कोई बात नहीं, मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आई विल शेयर इट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दिया होगा. चेक कर लेता हूँ एक बार. अभी ऐड कर देंगे, मैं बोल देता हूँ. चलिए, तो काफ़ी लोग आ गए हैं, लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. मैं शेयर कर देता हूँ लिंक. तो अब मल्टीपोलर की वर्ल्ड की बात करें, तो अब ये कैसे समझ में आ रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है. अब इसमें हमें रशिया और US और चाइना और ईरान, इनको इस एंगल से देखना पड़ेगा कि US इनके साथ कैसे डील कर रहा है. तो अगर जब से हम बाइडन साहब आए, अब जैसे अब बाइडन आने वाले थे, आपको याद है बाइडन के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि बाइडन आ रहे हैं, बाइडन बहुत सारी चीज़ें जो हैं यू नो कि दे आर यू नो ही इज़ गोइंग टू चेंज एवरी पॉलिसी अबाउट इंडिया, एंड ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. याद है बहुत पहले डिस्कशन हो रहा था हम लोग का, मैंने बोला था लेकिन यार ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं, यू हैव टू सी द वर्ल्ड, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट US, इट्स अबाउट अदर कंट्रीज एज वेल. सो वॉट इज़ बींग डन राइट नाउ इज़ कि US ने रशिया से भी लड़ाई कर ली है, चाइना को तो बोल ही रहे हैं कि हमारे नंबर वन एनिमी है, और ईरान को बोल रहे हैं कि इनके साथ तो हम साइन ही नहीं करेंगे डील, जिस हिसाब से प्रॉब्लम चल रही है. तो कहीं ना कहीं बाइडन इज वॉकिंग द लाइन विच ट्रंप वॉज वॉकिंग. तो एक तरह की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी यहां पे देखने को मिली है, विच अ लॉट ऑफ दीज यू नो पीपल यूज टू थिंक कि बाइडन आ जाएंगे तो इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, रशिया चाइना के क्लोज चले जाएंगे, विच एग्जैक्टली इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ.
सो अगर आप देखोगे अभी रशिया अभी यूएस चाइना ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी, वहां पे लड़ाई हो गई उनकी। रशिया को इन्होंने बोल दिया कि ये किलर है, व्लादिमीर पुतिन को इज अ किलर गाय, उसको मर्डरर बोल दिया बाइडेन साहब ने, ठीक है। और ईरान को बोला कि ये तो वैसे ही बॉम्ब बना रहे हैं, इनसे तो हम वैसी बात नहीं करेंगे। सो यू कैन सी बाइडेन इज वॉकिंग द लाइन ऑफ ट्रंप। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ही इज वॉकिंग द सेम लाइन। नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स कि ये जो बीच में कंट्रीज है जिनको हम बोलते हैं मिडिल पावर्स में आते हैं जापान, ईरान, टर्की और इंडिया, ये कैसे अलाइन करे सब चीज़ों को। और आप पॉलिसी की कंटिन्यूटी भी देख लो बाइडेन साहब की, उन्होंने सबसे पहले मीटिंग ली, जो हुई मीटिंग किसकी, क्वाड की हुई, उन्होंने बोला क्वाड को स्ट्रेंथन करेंगे। ट्रंप साहब ने भी वही चीज बोली। सो ट्रंप एंड बाइडेन आर यू नो डूइंग द सेम थिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके अलावा ये जो नया कोल्ड वॉर चल रहा है, तो नया कोल्ड वॉर कैसे है, क्योंकि यूएस और चाइना बीच में, अब पहला जो कोल्ड वॉर था पिछला, उसमें यूएस और यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, अब तो खैर है नहीं। तो अभी ये नया कोल्ड वॉर, दिस इज द न्यू कोल्ड वॉर। इस न्यू कोल्ड वॉर में जो एडवर्सरीज हैं वो हैं सबसे बड़े यूएस और चाइना, और बीच में बाकी सारी कंट्रीज। अब वो उसके हिसाब से सबको अलाइन किया जा रहा है। सो इट इज क्लियर दैट द यूएस कंटिन्यूज टू व्यू चाइना एज इट्स प्रिंसिपल एडवर्सरी ऑन द वर्ल्ड स्टेज, एंड द इंडो पैसिफिक कुड पॉसिबली बी एज अ पार्ट ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। और ये जो न्यू कोल्ड वॉर है, ये आप देखोगे जब ये ट्रेड वॉर्स हुए थे उस समय तो वैसे ही बहुत स्ट्रेंथन हो गया था ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रंप। अभी कोविड के बाद ये और ज़्यादा फैल, अभी और ज़्यादा इशू बढ़ गया है इसमें। अब चाइना क्या कर रहा है, हर जगह फिर से ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिसीज, ट्राइंग टू डोमिनेट, ट्राइंग टू कैप्चर। तो यूएस बोल रहा है कि भाई इनके साथ तो नहीं हो पाएगा, अपने को नहीं परवड़ता है। यूएस भी लाइक अपने को नहीं परवड़ता, इन मराठी लाइक अपने से तो ना हो पाएगा इनके साथ। सो द पॉइंट इज कि जो माइक पॉम्पो जो है अब वो बोल रहे हैं कि लाइक माइंडेड नेशंस को हम लोग साथ में आएंगे, और चाइना की जो ये टेंडेंसी एक्सपेंशनिस्ट वाली उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जो चाइना की ग्रोथ है, एंड रिड्यूस इट्स इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंड्यूस चाइना टू चेंज इन मोर क्रिएटिव एंड असर्टिव वे, अ क्लैरियन कॉल फॉर रेजिम चेंज। रितिका जस्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस इज इनफ, यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर न्यूज़पेपर। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया हुआ है, अगर आप जानते होंगे। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक है, अमेजोन पे जाके आप ले सकते हो। सो इट्स अ 300 पेज बुक विथ प्रीलिम्स एंड मेंस आंसर कम्प्लीटली, वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। आपको बहुत फायदा होगा उस बुक से, IR के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो एनीवे, सो यूएस हॉस्टिलिटी फॉर रशिया गोज बैक टू द लैटर्स वॉर विथ यूक्रेन एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमिया। अभी आप देखो बीच में फिर लड़ाई चालू हो रही है, यूएस ने धमकी दे दी और रशिया ने धमकी दे दी, पुतिन ने बोला मैं यूक्रेन को सबक सिखाऊंगा। आपको मैंने पढ़ाया भी था उस दिन की हाउ द इंटायर ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूक्रेन एंड द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया जो है वहां पे वो लोग ट्रूप्स और टैंक्स और ये क्या ऑटोमेटिक वेपन्स डिप्लॉय कर दिए। सो अब ये इनकी जो मेन लड़ाई अभी जो रिसेंट टाइम में चालू हुई है वो क्रीमियन पेनिनसुला के एनेक्सेशन से हुई है, जिसके बाद यूएस ने और यूरोप ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए थे। एंड उसके अलावा आप देखोगे यूएस की एनिमोसिटी चाइना के साथ भी इंक्रीज हो गई, रशिया के साथ इंक्रीज हो गई। इससे क्या हो गया, चाइना रशिया क्लोज आ गए। सो नाउ बिकॉज ऑफ दैट नाउ चाइना एंड रशिया हैव कम टुगेदर सो एंड सो कि उन्होंने बोला है कि हम, चाइना बोल रहा है कि हमारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें रशिया काम करेगा, और रशिया ने बोला है कि हम जो है एक इकोनॉमिक यूनियन बनाएंगे यहाँ पे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जहां पे रशिया और चाइना दोनों साथ में काम करेंगे। तो वो देख रहे हो आप, ये जो ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप है इसमें चाइना और रशिया जो है ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं हमारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बोल रहे हैं हमारा जो यूरेशियन इकोनॉमिक इनिशिएटिव है उसमें आप हमारे साथ काम करो। इवन दे हैव नाउ इन्वाइटेड देम टू फार ईस्ट, कि आप हमारे फार ईस्ट में भी आओ। इंडिया ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इनके रशिया के फार ईस्ट में। सो द रिजल्ट ऑफ दीज पावर्स गोइंग अगेंस्ट ईच अदर हैज रिजल्टेड इन चाइना एंड रशिया कमिंग टुगेदर एंड नाउ इवन पाकिस्तान गोइंग क्लोज टू देम, ठीक है। अब इवन पाकिस्तान इज गोइंग क्लोज टू देम। सो ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं टू विच बोथ आर कमिटेड एंड बोथ हैव कंडेम्ड द क्वाड फॉर अंडरमाइनिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो ये जो ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप है इसकी बात करी, उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। सो ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये आसियान नेशंस हैं, रेड वाले जो नेशंस हैं इसमें वो आपके दीज आर मेंबर्स ऑफ द SCO। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में आर्मेनिया भी साथ में आ जाएगा इनके साथ, ठीक है। बाकी मेंबर्स ऑफ बोथ द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड द SCO ये सारे जो है आपके येलो में आ जाएंगे सारे। तो चाइना बोल रहा है कि हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे इसमें।
Nagmani, I'm just trying to explain both in English and Hindi. So I'll just repeat whatever I have reiterated in English and Hindi. So this has now resulted in a new Cold War. Okay, now this is now being reflected everywhere. Chahe, whether it is South China Sea, wahan pe reflect ho raha, it is being reflected in your Indo-Pacific also. But the point is that the relationship with these countries will not be defined by US and China. ये जो डिफाइन की जाएगी बी बाई दिस मिडिल पावर्स कॉल्ड एज जापान ईरान टर्की एंड इंडिया या जीत नाम डाल दिया मैंने इसको एक्रोनिम JIIT. सो अब ये क्या है ये जो कंट्रीज हैं इनका जो होता है वो अब हमेशा क्या करेंगे कि दे विल ट्राई एंड लुक इनटू कि जहाँ पे फ़ायदा हो जाए विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो क्योंकि हमें बीच में क्यों फंसना किसी दूसरे की लड़ाई में ठीक है तो ये हमेशा बोलते हैं ना हमारे मम्मी पापा या बड़े बूढ़े बोलते हैं कभी भी दूसरों की लड़ाई में नहीं फंसना चाहिए ऑब्वियसली बात है भाई रशिया चाइना की लड़ाई है रशिया यूएस की लड़ाई है चाइना यूएस की लड़ाई है हम क्यों पड़े बीच में तो मैं ज़रा इसको आप यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ कौन किसकी साइड है सो अभी इस साइड है यूएस इस साइड है चाइना इस साइड आ गए भैया रशिया इस साइड आ गए हैं पाकिस्तान इस साइड अब कह रहे हैं हम टर्की भी आ रहे हैं यूएस के लाइक अब इंडिया हमारा सबसे बड़ा एलाई है इंडो पैसिफिक बनाएंगे बढ़िया सा ठीक है वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडो पैसिफिक साथ में कौन सपोर्ट करेगा जापान इंडो पैसिफिक आ जाओ क्वाड जापान इंडिया आ गए टर्की आ गए अब इसमें ये मिडिल पावर ये मिडिल पावर ये मिडिल पावर और एक बीच में मिडिल पावर ईरान अब ईरान जो है उसको कहीं ना कहीं रशिया सपोर्ट करता है एंड ये बिल्कुल एंटी यूएस है एंड एंटी इजराइल यहां पे आप देखो तो वैसे तो इजराइल भी आ जाएगा बिकॉज दे आर फ्रॉम दिस साइड ओनली दिस इज द प्रेजेंट अलाइनमेंट तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है इस समय का छोटी मोटी कंट्री पाकिस्तान श्रीलंका के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते मेन कंट्रीज तो देखो यही है अब ये सपोर्ट मांगेंगे तो साथ में कौन आ जाएगा यूके भी आ जाएगा फ्रांस भी आ जाएगा ये सब कंट्रीज तो आ जाएंगे मतलब वी आर यूरोप को हम अलग तरीके से मान के चलते हैं या फिर जैसे कह सकते हैं हम लोग नेटो एलाइज आ जाएंगे नेटो आ जाएंगे यहाँ पे अब टर्की इवन दो इज ऑल्सो अ नेटो मेंबर बट उनको सपोर्ट नहीं करेगा कोई यहाँ पे Correct. So the new US regime wants to build good relation with Iran. The problem is if Iran wants to build that or not. क्योंकि ईरान बोल रहा है कि हम 60% enrichment करेंगे तो कैसे हो पाएगा बताओ जब when they are saying that they will go for a 60% enrichment, do you think it's possible कि ये लोग कोई deal sign कर पाएंगे possible ही नहीं है अनुराग जी जो आसियान टॉपिक्स विल कवर वंस द आर्टिकल इज देयर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड जहां पे एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर इटसेल्फ सो द पॉइंट इज कि अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ चाइना एंड जापान अब ये जो मिडिल पावर्स है इनको हम क्यों फोकस कर रहे हैं बिकॉज दीज मिडिल पावर्स के साथ क्या है कि दे आर नॉट येट प्रिपेयर टू ज्वाइन एनी इम्यूटेबल अलायंस दे आर नॉट गोइंग टू साइन एनी ट्रीटी या एनी अग्रीमेंट जहां पे ये ऐसे अलायंस में चले जाते हैं कि जहां पे इनको चूज करना पड़ जाएगा कि या तो रशिया के साथ जाएं या यूएस के साथ जाएं दे ऑलवेज कीप देयर ऑप्शंस ओपन सो दे डोंट वांट सो दीज जीत कंट्रीज जापान इंडिया ईरान एंड टर्की दे डोंट वांट टू ज्वाइन योर एनी ऑफ द अलायंसेज जहां पे इनको चूज करना पड़े अब इसमें देखोगे रिलेक्टेंस है थोड़ी बहुत कैसे फॉर एग्जांपल जापान और चाइना में भी क्लैरिटी नहीं है अब जैसे हम जब अब बात करते हैं इन सब कंट्रीज के कंसर्न क्या क्या है फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जापान एंड चाइना नॉट जापान एंड चाइना वैसे हर चीज में लड़ाई करते रहते हैं इनका आप देखोगे सेनाकाकू आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है सारी लड़ाई जैसे मैंने पहले भी आपको बताया इज अबाउट ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेके देयर इज अ कांस्टेंट बैटल जापान के ईईजेड से चाइना बोल रहा है कि हमारा ईईजेड क्लैश कर रहा है चाइना का ईईजेड बोल रहे हैं साउथ चाइना सी में सो ये सेनाकाकू आइलैंड जो है यहाँ पे ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा है चाइना और जापान को यहाँ पे लड़ाई चल रही है इनकी बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है
जापान एंड चाइना इररिस्पेक्टिव एवरीथिंग हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस, दोनों आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं. इनफैक्ट आरसीईपी में चाइना और को लेके इशू है इंडिया को, लेकिन जापान बोल रहा है इंडिया को कि आप आरसीईपी ज्वाइन कर लो. रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेके हमने कल बात करी थी इसके बारे में. सो बड़ी डायकोटमी सी है क्योंकि आपस में भी ना क्लैरिटी नहीं है. इसी चीज का फायदा चाइना उठाता है क्योंकि अगर आप देखोगे सो सीनो जापानीज रिलेशन, अगर आप देखोगे जो ट्रेड जो है अभी भी इनका काफी ज्यादा होता है. 19% जो है ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स वेंट टू चाइना, अफर्मिंग द एडेज जापान डिपेंड्स टू मच ऑफ ऑन इट द यूएस फॉर सिक्योरिटी एंड टू मच फॉर ऑन चाइना फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी. बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है आप, इन्होंने बोला है कि जापान का क्या है, टू मच डिपेंडेंस है यूएस पे सिक्योरिटी के लिए और टू मच डिपेंडेंट है किस पे, चाइना पे फॉर प्रॉस्पेरिटी, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए. तो जब ऐसा होगा तो लाइन्स क्लियर ही नहीं है कि आप चाइना की साइड हो कि आप यूएस की साइड हो. और जो प्राइम मिनिस्टरशिप श्री शिंजो आबे साहब की, यू नो ही हैड ऑल्सो इंस्टिल्ड ग्रेटर फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ जापान की दे कैन रिलाई एंड दे कैन बी यू नो इंडिपेंडेंट पावर विदाउट द सपोर्ट, टू मच ऑफ सपोर्ट ऑफ यूएस. So hence it's $200 billion partnership for quality infrastructure that funds infrastructure project in Asia and Africa. Though Japan is also willing to work on BRI projects on a selective basis. अब बताओ, अब जापान बोल रहे हैं कि हम बाकी projects तो देंगे ही देंगे, हम BRI में भी काम करने के लिए तैयार हैं, Belt and Road Initiative of China. तो कैसे होगा? So Japan is it's still very unclear whether Japan will explore the wide ocean or confine its strategic interest in the East China Sea. Now, if we could talk about India, अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्वाड अपनी जगह सही है एंड क्वाड इज मोस्टली अबाउट मैरिटाइम, ठीक है, पानी को लेके है. बट भैया जो इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है हमारा 3,000 किलोमीटर से ज्यादा, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा, वो तो हमें खुद ही लड़नी है. वी हैव टू मैनेज आवर ओन बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, उसमें थोड़ी कोई हेल्प करेगा. क्वाड तो चलो एक लिमिट तक है कि भाई मैरिटाइम वाटर में यू नो यूएस एंड ऑल दीज नेवीज कैन कम एंड सपोर्ट अस, बट द मेन इशू इज दैट लैंड बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वो तो हमें ही लड़ना पड़ेगा ऊपर से लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जाके. सो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है. सो विद द बॉर्डर स्टैंड ऑफ एट लद्दाख, चाइना इज परहैप्स रिमाइंडिंग इंडिया दैट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट डिमांड क्लोज एंगेजमेंट विद चाइना रादर देन अ डीपनिंग अलाइनमेंट विद इट्स ग्लोबल राइवल. सो नाइदर द यूएस नॉर द क्वाड कैन एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया इन इट्स 3,500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर विद चाइना. वो तो हमें ही मैनेज करना है, उसमें थोड़ी कोई आएगा सपोर्ट करके अपनी ट्रूप्स लेके. तो इसको रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी बोला गया. द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी एंड द कंसर्न रिलेटिंग टू द यूएस इंट्रूसिव अप्रोच ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंश्योर दैट इंडिया विल नीड टू मैनेज इट्स टाइज विद चाइना लार्जली थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स वाइल रिटेनिंग रशिया एज इट्स डिफेंस पार्टनर. तो इंडिया के लिए भी बड़ी डायकॉटमी है. अब इंडिया का आप खुद देख लो, इंडिया क्या बोल रहा है कि भाई हम S-400 लेंगे रशिया से, आप हम पे प्रेशर मत डालो कैट्सा का, यूएस से भी लेंगे, इसराइल से भी लेंगे, तो हमारे भी भाई ऑप्शन ओपन होने चाहिए ना. इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात है, स्ट्रेटेजिक अटोनमी, द वर्ड इज स्ट्रेटेजिक अटोनमी, कि हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें कहाँ सही लगता है, कहाँ अलाइन करना है. ठीक है, अब ये तो बात हुई इंडिया की, तो इंडिया इसमें मैनेज नहीं कर पाएगा अकेले. अब बात करते हैं ईरान की. अब ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है, ईरान जो है वो चाहता है JCPOA अग्रीमेंट वापस आ जाए, सैंक्शन सारे खत्म हो जाएं, लेकिन वो तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक ये अपने खुद भी चीजों को कम नहीं करते. एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग क्लोजर टू रशिया, रशिया इनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इनकी इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है एंड दे वांट टू ओपन अप देयर इकोनॉमी. बट उसके लिए पहले इनको अपना जो ईरान पीस अग्रीमेंट या जो न्यूक्लियर डील अग्रीमेंट, इनको अग्री करना पड़ेगा उसके लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर मिस्टर एर्दोगान फ्रॉम टर्की. टर्की में अलग ही चल रहा है, टर्की में चल रहा है नियो ऑटोमनिज्म. नियो ऑटोमनिज्म का मतलब समझते हो आप, ऑटोमन एम्पायर था ना पहले बहुत बड़ा यहाँ पे, तो ये नया ऑटोमन एम्पायर बनाना चाह रहे हैं. आसपास की नेबरिंग कंट्री जो अजरबैजान को बना लो, टर्की को ले लो, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अपने साथ में ले लो. सो एर्दोगान इज ऑन अ पाथ टू क्रिएट अ न्यू ऑटोमनिज्म, ठीक है, विच ब्रैटिंग यू नो विच सेलिब्रेटिंग टर्कीज ग्लोरी थ्रू मिलिट्री एंड डॉक्ट्रिनल लीडरशिप.
यहाँ पे भी अब इनको ये लगता है टर्की में कि इनके इंटरेस्ट बेटर अलाइंड है विद रशिया रादर देन विद यूएस. अरे दे यूज्ड टू बी अ वेरी गुड अलाई ऑफ ऑफ यूएस, बहुत इंपॉर्टेंट अलाई हुआ करते थे पहले ये. सारे वेपन्स तो F-16 एंड ऑल यूएस ने दिए इनको, बट बीच में खाशोगी मर्डर वाला केस हो गया सऊदी अरेबिया वाला, एंड देन इन्होंने प्लेन वेन गिरा दिया, उसको लेके इशू हो गया, फिर रशिया का भी प्लेन गिरा दिया था. सो नाउ टर्की हैज मूव्ड क्लोजर टू रशिया एंड द अदर कंट्रीज अदर देन यूएस, बट इट स्टिल विशेस टू कीप इट्स टाइज विद यूएस, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है नेटो मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है जिसका यूएस सबसे बड़ा पार्टनर है. सो दे वॉन्ट टू कीप देयर टाइज इंटैक्ट, बट चॉइस बड़े लिमिटेड है. तो आइडिया ये है कि ये जो जीट कंट्रीज है ना, जे आई आई टी कंट्रीज, यही जो है डिसाइड करेंगी कि क्या होने वाला है, स्पेशली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में. और मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा ये, सिंगल पोलर या बाईपोलर वर्ल्ड नहीं हो सकता बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि यूएस और चाइना वो खुद भी चाहते हैं कि ये सारी कंट्रीज उनके साथ है. बट हाँ, डिफाइनिंग मोमेंट विल बी रिटन बाई बोथ यूएस एंड इंडिया, ये तो है कर. सो दिस वॉज एन आर्टिकल टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलारिटी, दिस वॉज एन आर्टिकल टॉकिंग अबाउट कोल्ड वॉर, दिस वॉज आवर आर्टिकल विच टच्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, काफ़ी वाइड पॉइंट्स जो है इसने टच किए, एंड आई होप आप लोग को समझ में आया, दिस वॉज अ गुड आर्टिकल. सो टॉकिंग अबाउट मल्टीपोलारिटी रादर देन अ न्यू कोल्ड वॉर, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर. चलिए, सो इसका माइंड मैप मैंने टीम को बोला है, आपको नोट्स के साथ मिल जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल. नेक्स्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज. सो आज वर्ल्ड वॉइस डे भी है, April 16 इज डिवोटेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ वॉइस. मेन गोल है इसका टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वॉइस एंड मेक पीपल अबाउट द वॉइस प्रॉब्लम्स. तो ये पहले शुरू हुआ था लाइक अ टाइनी सेलिब्रेशन एंड इन ब्राजील इन 1999. सो इसको ब्राजीलियन नेशनल वॉइस डे बोलते थे, बाद में क्या हुआ इट स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इन द एंटायर वर्ल्ड. सो दिस डे ब्रॉट अबाउट टुगेदर फिजिशियन, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड सिंगिंग टीचर्स. सो ओटल एरिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द ईयर एंड थ्रोट. कभी अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो याद रखिएगा किसको लेके होता है ये. वेयर वर यू सोनाली, आप मुझसे पूछ रहे हो मैं कहां था. मैं तो यही हूं, अगस्त से ले रहा हूं रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप कहां थे. गायत्री, वी टेक्निकली वी आर फॉलोइंग अ सॉर्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. सो आई एम मतलब आप देखोगे सो ऑफ द ओपिनियन दैट in one way or the other we are following something called as a non alignment 2.0 or non alignment 3.0. acha you are asking me to acha aapas mein discussion kar rahe ho. then finally approval milega, bahut sare judges ki pendency chal rahi hai to appointment. so the union government has offered to decide in 3 months the supreme court collegium recommendation. justice bobde sahab ne jitne bhi recommendation diye unke collegium ne abhi tak koi bhi accept nahi hua hai. matlab accept kya, एक्सेप्ट तो करने पड़ेंगे, बट गवर्नमेंट प्लेज वेरी स्मार्टली, दे विल नॉट इशू द वारंट एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट. तो अपॉइंटमेंट होता नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, एंड विल डिस्कस इन पॉलिटी क्लास ऑल्सो. सो अभी भी देखो आप, बहुत सारी वैकेंसीज है, हाई कोर्ट में 220 से ज्यादा वैकेंसी है, बिकॉज अभी तक कोई भी कोलिजियम के रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड नहीं किया गया. सो इट वुड बी हेल्पफुल विद द गवर्नमेंट शेयर इट्स ओन टाइम लाइन ईच स्टेज ऑफ द अपॉइंटमेंट प्रोसेस. सो के वेणुगोपाल साहब जो है, he is the attorney general of india, he said ki memorandum of procedure hai, ek understanding hai sort of between judiciary and the executive ki appointment process zyada delay nahi kiya jayega. but isme koi timeline mention nahi hai ki kab tak appointment karna hai. so abhi tak 44 of the pending recommendations were made to fill up vacancies in calcutta, madhya pradesh, guwahati, rajasthan and punjab high courts. And recommendation of names made by the collegium to Delhi High Court had been pending for 7 months almost now. Baki John Morrison sahab jo hai, Australian Prime Minister ne bola hai that India and Australia should stand together for democratic freedom and a great polarization in the region between liberal democracies. To wo quad leader ki meeting hui thi, to usme iske bare mein baat ki gayi thi. So inhone ek statement issue kiya that India Australia jo hai, they share a very deep friendship and jisko hum maitri bolte hain hindi mein. And it in we shared a common passion for democratic freedom. So basically they are trying to strengthen our relationship with each other, India Australia, especially quad mein to dekho hum partners hain, plus economic ties ke aspect mein bhi bahut scope hai hame improve karne ka.
बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द फॉरेन ऑफिस टू क्लियर इंडियाज मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन टू हियर द कुलभूषण जाधव केस टू इंप्लीमेंट द वर्डिक्ट ऑफ आईसीजे। सो आपको पता होगा आईसीजे के में केस गया था, हरी सालवे जी ने लड़ा था इंडिया के बिहाफ पे, जिसमें काउंसलर एक्सेस दिया गया था इनको। सो जाधव इज, आपको पता कुलभूषण जाधव केस बहुत फेमस केस है, उसमें ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम नियर ईरान बॉर्डर बलूचिस्तान में, एंड इनको काउंसलर सर्विस मतलब डिप्लोम जो होता है एक तरीके काउंसल और एक एडवोकेट होता है वो आपके डिप्लोमेटिक कन्वेंशन के अंदर आता है। तो आईसीजे ने रूलिंग दी थी कि इनको अलाउ किया जाना चाहिए, बट इन 2019 वर्डिक्ट हैड आस्क्ड पाकिस्तान टू प्रोवाइड अ प्रॉपर फोरम फॉर अपील अगेंस्ट द सेंटेंस, बट पाकिस्तान एज यूजुअल जनरली क्या होता है एस्पियनाज और ये सब केसेस में क्या होता है, ऐसा कन्फर्म तो हुआ नहीं है कि ही इज अ इंडियन स्पाई, ये बोल रहे हैं कि वो इंडियन स्पाई है, बट ही रिटायर्ड फ्रॉम नेवी एंड इज बीन डूइंग अ बिजनेस वर्क इन बलूचिस्तान, तो वो चीज़ कन्फर्म नहीं हुई कभी। अब चाइना का भी इन्फ्लुएंस है थोड़ा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर है, पाकिस्तान इज़ लाइक कि नहीं भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो जितना है उतना प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस। सो द हेग बेस्ड आईसीजे रूलिंग जो थी 2019 में, उन्होंने बोला इनको काउंसलर एक्सेस देना चाहिए। प्रकृति रायसीना डायलॉग इज बेसिकली यू कैन से सिक्योरिटी डायलॉग जो होता है, जैसे आपका शांग्रीला है वैसे ये रायसीना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज कराता है, तो इसमें बहुत सारे आप देखोगे प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमैट्स एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स आके अपने ओपिनियन देते हैं। इट्स वेरी गुड, मैंने अटेंड किया हुआ एक वाला पिछले बार वाला, इस बार वाला जो था अनफॉर्चुनेटली सारा ऑनलाइन ही हो रहा बिकॉज ऑफ कोविड, नहीं तो यहाँ पर दिल्ली में होता है, बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है ताज होटल में या वहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। इट्स अ वेरी गुड इवेंट। बाकी यूएन सिक्योरिटी जनरल ने हैज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021 टू स्ट्रेटेजाइज द एक्शन फॉर पॉजिटिव चेंज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड इन द वर्ल्ड टू रियलाइज द विजन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फूड सिस्टम समिट होगा 2021 का, तो ये फोकस करेगा ऑन लीवर्स एंड पाथवेज टू शेप फूड सिस्टम नेशनली एंड ग्लोबली टू एक्सलेट प्रोसेस इन द एसडीजी। द समिट 2021 इज प्लान टू बी एसेंशियली पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव एंड नीड्स द गेम चेंजिंग आइडियाज फ्रॉम द एक्सपीरियंस थ्रू द नेशनल सब नेशनल एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन फॉर द फाइव एक्शन ट्रैक रिलेटेड टू सेफ न्यूट्रिशन फूड जो है उसको बारे में पांच मेजर फोकस एरियाज हैं, सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स, अ नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शन, एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड एंड रेजिलियंस टू वल्नरेबिलिटी शॉक एंड स्ट्रेस। सो इंडिया लगभग आप देखो 18% ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटी इंडिया में है, सो इट ओज पैरामाउंट स्टेक इन द फूड समिट सिस्टम। सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ लिंक टू योर फूड सिक्योरिटी। बाकी UNFPA की जो है पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है उसको लॉन्च कर दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, इसका नाम याद रखिएगा, UNFPA लॉन्च करता है, तो इसकी रिपोर्ट का नाम है माई बॉडी इज माई ओन। सो इसमें नियरली हाफ द वुमेन फ्रॉम 57 डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर बॉडीज एंड सेक्सुअलिटी और इवन सीकिंग हेल्थ केयर। तो ये UNFPA रिपोर्ट ने इस बार फोकस किया है वुमेन सेंट्रिक इशूज पे। सो ये फर्स्ट टाइम है कि UN की जो रिपोर्ट हैज फोकस ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी defined as the power and agency to make choices about our body. तो जिन डेटी से जिन जिन कंट्री से डेटा मिला है उसके हिसाब से आप देखोगे only 55% of the women are fully empowered to make choices over healthcare and whether they have the ability to say yes or no to sex. So it talks about even forced sexual intercourse also. So it also highlights basically that is considered as a rape, चाहे वो marital rape भी आप बोल सकते हो। So it also highlights that only 75% of countries legally ensure full and equal access to contraception. So lack of contraceptive choices, unwanted sex, unplanned pregnancy, diverse sexual orientation, इन सब चीजों पे लोगों के especially महिलाओं के अधिकार बहुत कम माने जाते हैं। देवशीष अभी जो है आप देखो मेरा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो उसमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना काफ़ी है, उसके अलावा आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं नोट्स आपको दे दूंगा। सो जनरली अगर आप रीडिंग करते हो थोड़ा बहुत आप रीडिंग करके एनसीईआरटी के नोट्स बना सकते हो, बहुत छोटे, मतलब अगर आप देखो 100-150 पेज की एनसीईआरटी है मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 पेज में उसको समराइज करा जा सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, नहीं तो कुछ पॉइंटर्स हों तो उसको 2 पेज में भी कर सकते हो। अंजलि यस वी आर प्लानिंग टू डू अ लॉन्च ईयरली कंपाइलेशन, यस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉन्च करेंगे और टीम की तरफ से ही आएगा वो। बाकी एक MOU साइन किया गया बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू हेल्प फार्मर वेलफेयर। तो एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड ये प्रोग्राम है जहाँ पे
The idea will be to boost agriculture. So smart agricultural techniques to the farmers, especially during post-harvest season. तो इसको लॉन्च किया जाएगा विलेजेस इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स. कौन कौन से? एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश. सो वेरियस टास्क ऑफ इवन बेनिफिटिंग फार्मर्स एंड अलग अलग कम्युनिटी जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं. सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा. बाकी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अगर आप देखोगे सो कुछ गाइडलाइंस है, उसको ईज कर दिया गया है. सो नाउ दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर अ फ्रेश ओसीआई कार्ड एवरी टाइम अ न्यू पासपोर्ट इज इशूड इन द नेम. तो होम मिनिस्ट्री ने इसको क्लैरिफाई किया बिकॉज दे आर दी नोडल बॉडी फॉर दिस. तो मिनिस्ट्री ने बोला है दैट प्रेजेंटली क्या होता है कि जब भी ओसीआई कार्ड इशू होता है और जब उसको री इशू किया जाता है, जब भी नया पासपोर्ट होता है इशूड अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज एंड वंस आफ्टर कंप्लीटिंग 50 इन व्यू ऑफ द बायोलॉजिकल फेसेस चेंजेस इन द फेसेस ऑफ द एप्लीकेंट. तो हर 20 साल में ओसीआई कार्ड को जनरली रिन्यू किया जाता है और 50 साल में ऑटोमेटिकली किया जाता है क्योंकि 50 साल बाद आप जनरली देखते हो कि इतने बाद फेशियल चेंजेस हो जाते हैं लोगों के. सो 20 ईयर्स की एज के बाद, उसके बाद 50 ईयर्स की एज के बाद आपके जो ओसीआई कार्ड को चेंज करने की जरूरत होती थी, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी फ्रेश पासपोर्ट इशू होता है. सो इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेंड रजिस्ट्रेशन एज ओसीआई कार्ड होल्डर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 20 ईयर्स, देर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ रीइश्यूएंस ऑफ द कार्ड. एंड इट एडेड दैट द डिटेल्स ऑफ द न्यू पासपोर्ट ऑब्टेंड बाय द ओसीआई कार्ड होल्डर विल बी अपलोडेड ऑनलाइन विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द पासपोर्ट. So the ministry also added that the foreign spouses registered as OCIs will be required to upload a copy of the new passport and also a latest photo along with declaration of their marriage. So OCI ke rules basically relax kar diye taki inko zyada hassle na aane mein. Baki new insect species from Kosovo named after coronavirus. Matlab waise hi kam nahi tha coronavirus ki ab insect ka naam bhi dalna chalu kar diya logon ne. Insect ki species ka naam coronavirus pe dal diya. So Kosovo mein छोटी सी एक कंट्री है जिसको मोस्ट ऑफ द यूएन और बाकी बॉडीज रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वैसे रिसेंटली मेंबर बना है. सो टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव नेम्ड अ स्मॉल कैडिस फ्लाई नेटिव को इन द नेम ऑफ कोरोना वायरस. तो इसको एक लोम्बार्डी डेफिनेट रिवर है वहां पे इसको कलेक्ट किया गया था, इसको नाम रखा गया है पी कोरोना वायरस के नाम पे. So the researcher also wanted to bring attention to another silent pandemic occurring on freshwater organisms in Kosovo rivers caused by the pollution and degradation of freshwater. तो उन्होंने करा तो अच्छे perspective में कि भाई लोगों को awareness दी जाए about how the water system is being degraded and कैसे वहाँ marine या फिर आप कह सकते हो जो river aquatic species हैं वो affect हो रहे हैं. तो उसके लिए उन्होंने P coronavirus नाम डाला इसका. So this insect is very sensitive to water pollution and habitat deterioration. अच्छा है. नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े साहब बोल रहे हैं रिटायर होने से पहले कि अब ये टाइम आ चुका है कि इंडिया में पहली महिला चीफ जस्टिस होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए. जब प्रेसिडेंट हो चुके हैं तो महिला होनी चाहिए, बट सर एलिवेट तो करो जजेस को. कैसे होगी महिला चीफ जस्टिस? आप ही नाम रिकमेंड करो सर कोलिजियम में, महिलाएं जजेस का नाम ही रिकमेंड नहीं हो रहा इतना. सो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैव स्टेटेड दैट मेनी वुमेन एडवोकेट्स वर इनवाइटेड टू कम एज जज डिक्लाइन द ऑफर साइटिंग डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसा पहले होता होगा बट अब मुझे तो नहीं लगता कि इतने इश्यूज होते हैं. सो अब ऐसा बोल रहे हैं कि महिला चीफ जस्टिस होनी चाहिए बट नाम जब तक आप रिकमेंड नहीं करोगे, क्योंकि इंडिया इज इकलौती कंट्री जहां प्रोबेबली द जजेस सेलेक्ट द अदर जजेस एंड देयर इज ओनली वन चीफ जस्टिस इन ऑल ऑफ द 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. चीफ जस्टिस हीमा कोहली जी हैं जो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं. बाकी इंडिया ने ई वीजा फॉर 156 कंट्रीज को रीस्टोर कर दिया जो इंडिया आना चाहते हैं फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड मेडिकल रीजन. सो ई वीजा का अलाउ कर दिया फिर से. सो ई वीजा जनरली 5 कैटेगरी में मिलता है, टूरिस्ट, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल एंड मेडिकल अटेंडेंट. सो अंडर द अग्रीमेंट अ फॉरनर कैन अप्लाई ऑनलाइन 4 डेज प्रायर टू ट्रैवल एंड आफ्टर द डिटेल्स आर वेरीफाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन इज जनरेटेड विच हैज टू बी प्रेजेंटेड एट द इमिग्रेशन चेक पोस्ट. So entry through e-visa is allowed only at 28 designated international airports and 5 major seaports in India. So आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हो, सीपोर्ट से. बेसिकली वीजा क्या है? एंट्री इनटू कंट्री होता है. तो आप चाहे हवाई जहाज से आओ, चाहे आप सबमरीन से आओ, कोई मिलिट्री प्लेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईईजेड वाला वायलेशन हो जाएगा. सीपोर्ट से आओ, जैसे आओ, कैसे भी आओ, बट वैलिड तरीके से आओ. बाकी यूएस ने नए, मैंने बताया ना अभी आपको कि यूएस और रशिया की लड़ाई चल रही है, इन्होंने नए सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, स्पेशली आफ्टर द इशू दैट इज बिल्डिंग अप ऑफ ट्रूप्स अलोंग द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन. सो इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिस्टर बाइडन वाइडन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूएस बैंक्स ट्रेडिंग इन रशियन गवर्नमेंट डेट, एक्सपेल 10 डिप्लोमैट्स जिनको एलिजिबली स्पाइज माना जा रहा है, ब्लैकलिस्ट 32 इंडिविजुअल्स.
तो टेंशन तो देखो अभी बढ़ती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द रीसेंट ट्रूप बिल्डअप ऑन द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। तो भैया इनकी तो लड़ाई होने वाली है ऐसा लग रहा है, मतलब ये चलता रहता है ऐसा है, कोई नई चीज नहीं है। बाकी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 7.4% तक पहुंच गया है एंड सर्ज दैट इज एक्सपेक्टेड टू फीड इनटू हायर रिटेल प्राइसेस। तो प्राइस गेन्स एट द होलसेल लेवल वर ड्रिवन बाय 10.3% इंक्रीज इन फ्यूल एंड पावर, जो ऑब्वियसली हो ही रहा है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, फूड प्राइसेस भी बीच में बढ़े थे थोड़े कम हुए हैं। सो नेशन वाइड लॉकडाउन लगेगा उससे भी थोड़ा इफेक्ट होगा। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एज यू नो हैज बीन गोइंग डाउन। बाकी आरबीआई ने एक सेटअप किया है अथॉरिटी फॉर रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी 2.0। सो दिस अथॉरिटी विल रिव्यू द रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस इंटरनली एज वेल एज बाय सीकिंग सजेशंस फ्रॉम आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। तो जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के मिस्टर राजेश्वर राव, उनको इसका चेयरमैन बनाया है और इनकी वैलिडिटी होगी फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम May 1st। सो बेसिकली दे विल लुक इनटू अ लॉट ऑफ यू नो रिव्यूइंग ऑफ ऑल द बैंकिंग रेगुलेशंस। So the recommendations enable streamlining, increasing effectiveness of several procedure, paving the way for issuance of master circular. इसके बारे में बताऊंगा। एक आज नया बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आरबीआई ने बोला है कि वो अलाउ करने वाला है नॉन बैंकिंग एंटिटीज को टू अलाउ आरटीजीएस एंड नेफ्ट फैसिलिटी, एनईएफटी और आरटीजीएस अलाउ करने वाला है। उसके बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, एक दो न्यूज लगी फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी आईएमएफ ने बोला है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा दीज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो एसडीआर बोलते हैं टू मेंबर कंट्रीज बाय ऑगस्ट। So the IMF has agreed to support SDR allocation of $650 million, और ये अभी तक का लार्जेस्ट होगा इन द हिस्ट्री ऑफ IMF। सो करेंटली आप देखोगे G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उन्होंने अग्री किया था IMF को कि प्रोवाइड करें भाई फ्रेश SDR, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं इंडिया के भी हैं, मेंबर कंट्रीज के होते हैं। सो इट इज बट इट इज नॉट अ करेंसी नाइदर अ क्लेम और ऑन द IMF। द प्राइवेट एंटिटीज जो हैं दे कैन नॉट होल्ड SDRs। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो SDR को यूज करते हैं वो है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन एशियन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कैन कोलिजियम सिस्टम डू अवे विथ गवर्नमेंट्स कंसेंट इवन इफ दे रिकमेंड द अपॉइंटमेंट हैज टू बी गिवन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट का जो लेटर इशू करना होता है उनको, वो यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे होता है। जब तक यूनियन कैबिनेट एडवाइस नहीं करता तब तक नहीं होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो मैं इसके बारे में बोल रहा था, ये आप लोगों के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड स्पेशली फॉर पीपल बिकॉज इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने की बात की जा रही है। सो आरबीआई ने एक प्रपोजल डाला है कि फेज्ड मैनर में पेमेंट सिस्टम्स को और ज़्यादा डाइवर्स किया जाएगा और जो मोबाइल वॉलेट्स हैं या पेमेंट्स बैंक हैं इनको दो चीज़ बोलिए, एक तो जो मिनिमम 1 लाख रुपये की लिमिट है उसको 2 लाख करने वाले हैं, अभी तक आपको पता है 1 लाख तक आप डिपॉजिट रख सकते हो, और दूसरा इन्होंने बोला है कि वी विल एनेबल आरटीजीएस एंड नेफ्ट फैसिलिटी विच इज यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ बैंक्स ओनली, ये बैंकों के पास होता था, तो अब बैंकों की मोनोपोली भी खत्म हो रही है। सो इससे क्या होगा, दिस विल मिनिमाइज सेटलमेंट रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम और इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। बट इसमें ये जो एंटिटीज है इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आरबीआई विल कम टू रेस्क्यू देम, नो लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर देम विल बी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई। So, अभी तक क्या होता था कि जो इंडिविजुअल का क्रेडिट प्रोफाइल होता था वो बैंकों के पास होता था, बट अब क्या होगा, इन कंपनीज के पास भी रहेगा। ठीक है भाई, व्हेन जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो जब आप लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपका वो दिखाता है। सो उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा। सो नाउ द आरबीआई विल अलाउ योर नॉन बैंकिंग एंटिटीज, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कार्ड इशूअर्स, वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स जो आपकी कोई नॉन बैंकिंग कंपनी ओन करती है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम एंड मोबाइल वॉलेट लाइक गूगल पे, मोबीक्विक, पेयू, ओला मनी, इन सबको अलाउ करेगा कि ये RTGS और NEFT फैसिलिटी को इनिशिएट कर सके। तो ट्रांसफर भी अलाउड ओनली टू योर KYC कंप्लाइंट कस्टमर्स। ठीक है, तो अभी क्या है, आपको RTGS NEFT कराने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी पड़ती है, नहीं तो बैंकों में लाइन लगी रहती है। अभी क्या, आप किसी से भी कर सकते हो, अभी मतलब हुआ नहीं है, फेज्ड मैनर में होगा, धीमे धीमे होगा, बट इट्स अ गुड स्टेप। बट लिमिटेशन है 2 लाख रुपए की, जैसे RTGS में क्या होता है 2 लाख के ऊपर ही होता है मिनिमम, NEFT आप कितने के कर सकते हो, RTGS में मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख रुपीस। तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल टेक मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है एंड इट इज करंटली वैल्यूड एट 1.9 लाख करोड़ इन 2019, एक्सपेक्टेड टू रीच 6.2 लाख करोड़ इन 2025। तो मल्टीपल आप देखो क्रेड करके आपका जो है, क्रेड जो है आपका एक है, आप देखो राहुल द्रविड़ का ऐड आया था गुंडा वाला। ठीक है, तो क्रेड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड पे करते हो, बिल पे करते हो, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं विच कैन यू कैन रिडीम एट मल्टीपल प्लेसेस।
सो ऐसे आप देखो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में मल्टीपल ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं और ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, स्पेशली स्टार्टअप्स फाइनेंशियल टेक में बहुत सारे आ गए। सो इन अ वर्ल्ड वेयर फिनटेक कंपनीज आर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड प्लेइंग अ मोर एक्टिव रोल, यहाँ पे आप देखोगे कि ये बहुत जरूरी है और एक अच्छा कदम है जो आरबीआई उठा रहा है। रेगुलेशन ऑफकोर्स जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही था, फटाफट एमसीक्यू करके सॉल्व करते हैं। बाकी जितने लोग क्लास देख रहे हैं प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ठीक है, लाइक और शेयर करिए फटाफट। अभी तक सिर्फ कितने लाइक्स आए हैं, एटलीस्ट 260 लोग देख रहे हैं, कम से कम 200 लाइक्स तो बनते हैं। 143 लाइक्स है, बताओ बस। चलिए पहला सवाल है, इंडियन पेटेंट एक्ट को लेके अलाउ द एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स एज पर 1970 द एक्ट परमिट्स द इंडियन गवर्नमेंट टू यूज मैन्युफैक्चर इंपोर्ट और सेल ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। क्या बात है, आज तो डिसलाइक करने वाले भी चार आ गए, ये पक्का दूसरे वाले हैं, ये वही है ये। सो बी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग, सो करेक्ट आंसर इज बी। सो इट इज द लेजिस्लेशन दैट डील्स विद पेटेंट्स इन इंडिया, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड जो है चेन्नई में वो इनको मैनेज करता है। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स अलाउड नहीं है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू किया जाता है ताकि आपका पब्लिक इमरजेंसी यूज में, जल्दी आप देखोगे मैन्युफैक्चर इंपोर्ट करने के लिए पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट्स ओनर्स कंसेंट, तो जनरली जेनरिक मेडिसिन के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला सवाल करते हैं वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम को लेके। सो फोरम इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क एंड दिल्ली इज अ मेंबर सिटी इन द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, ए बी सी और डी। अरे आ गए देखो एक हरी निवास आए हैं देखो। अरे भैया काहे नाम लेते ही दुखते रक्त में हाथ आ गया, मतलब वेस्ट वीडियो किस चीज से बताओ, मतलब वेस्ट आप वेस्टेड हो या वीडियो देख के आप वेस्ट हो गए हो, मतलब एक्सप्लेन तो करो मतलब समझाओ तो सही। मतलब मुझे लगता है अगर ये आपके हिसाब से वेस्ट वीडियो भी है एटलीस्ट कुछ तो सीखा होगा यार आपने जिंदगी में, कुछ तो नया पता चला होगा। वेस्ट वीडियो, नाम आपका हरी निवास, हरी भगवान का नाम, काम लेकिन सारे राक्षसों वाले हैं, मतलब स्पैम करने के लिए बस बॉट बना दिया है तो बस स्पैम करना है, डिसलाइक करना है। सो ले जो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। वर्ल्ड सिटीज फोरम जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन 2012, 8 सिटीज मेंबर हैं इसके। सो इट इज इनिशिएटिव ऑफ मेयर ऑफ लंदन, इट इज ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय बीओपी कंसल्टिंग, एक स्पेशलिस्ट कंसल्टिंग फर्म है। एंड मेंबर सिटीज देखोगे नाउ हैज 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर, दिल्ली हैज इनवाइटेड दिस, बीन इनवाइटेड दिस ईयर इवन दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेंबर सिटीज। बाकी 14 अप्रैल से एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है, आज तीसरा लेक्चर है। हाँ आज शाम अगर आपने देखा होगा स्पेशल क्लास सीरीज में आप देखोगे इकोनॉमी की सीरीज कंटिन्यूड है, तो आज भी क्लास है, कल भी है, परसों भी है। सो इकोनॉमी रिविजन सीरीज आपकी चालू हो चुकी है, साथ में विदेश नीति मैपिंग भी चलती रहेगी, एक मैपिंग की क्लास है संडे को, बाकी तो खैर ये है ही 3 बजे वाली। सो स्पेशल क्लास के जितने भी लिंक्स हैं आपको मेरे नीचे प्रोफाइल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आपको प्रोफाइल मिल जाएगी और बाकी नोट्स मिल जाएंगे दीपांशु सिंह ऑफिशियल चैनल। सो गो ऑन टेलीग्राम एंड सर्च दीपांशु सिंह ऑफिशियल, अन अकेडमी यूपीएससी सीएससी ऑल्सो चैनल, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, वर्स टीचिंग कोई बात नहीं, मान लेते चलो आप खुश रहो बस, हमारा तो पर्पज़ ये है भैया स्टूडेंट खुश रहे, चाहे कुछ भी करो बाकी लोगों को परेशान मत करो। बाकी नाम में आपके हरी निवास है ही, कौन से भगवान निवास करते हैं वो आप ही जानते हो। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक करो। अब हरी निवास जैसे लोग आ जाते तो क्या करें, बट आप लोग तो लाइक कर ही सकते हो। एनीवे चलिए सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल शेयर द नोट्स। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।